तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो गाइस, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली का नेहरू पार्क, जिसमें बहुत सारे एडवेंचर और बहुत सारे फुहारे आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय करिए ब्लॉग। और गाइस, बात की जाए इसकी नियर बाय मेट्रो स्टेशन की, तो यहाँ का नियर बाय मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन है। और गाइस, यहाँ की फ्री एंट्री है। और गाइस, यहाँ की टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है। और गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं और अपनी नियर बाय मेट्रो स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो नेहरू पार्क जाने के लिए। और गाइस, हम फाइनली हम आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन पर और हमारी मेट्रो भी आ जाती है। तो गाइस, हम यहाँ से मेट्रो पकड़ के पहुँच जाते हैं लोक कल्याण मेट्रो। तो गाइस, नेहरू पार्क की नियर बाय मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हो, लोक कल्याण मार्ग है, जो आप राजू चौक से पकड़ के यहाँ पे आ सकते हो। और गाइस, लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से गाइस कुछ ही दूरी पे है नेहरू पार्क, तो यहाँ से आप ऑटो पकड़ के पहुँच सकते हो नेहरू पार्क। तो गाइस, मैं तो आ चुका हूँ नेहरू पार्क, और ये है गाइस यहाँ का अशोका होटल बस स्टैंड नेहरू पार्क का। अगर आप बस से भी आना चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। गाइस, इस पार्क के आने के बहुत सारे गेट है, तो आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। क्यों, ये है गाइस यहाँ का पार्किंग एरिया, आप देख सकते हो। ये देखिए गाइस, ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप बाइक लगा सकते हो। यहाँ पे पूरी फोर व्हीलर की पार्किंग है, ये देखिए गाइस। तो गाइस, अगर आप भी यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आते हो तो आपको यहाँ पे पार्क करनी होगी, या आप टू व्हीलर लेके आते हो तो आपको यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो चलते हैं गाइस बिना देरी किए इस पार्क के अंदर। गाइस, ये इसका गेट, मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ। तो गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ का गेट है, मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, और अब मैं आपको और भी इसके पार्क में घुमाता हूँ। इतना प्यारा लग रहा है फाउंटेन, तो देखिए। तो आप देख सकते हो गाइस, ये है यहाँ का फाउंटेन। तो गाइस, ये देखिए, इसमें तीन तरह के फाउंटेन लगे हुए हैं, एक छोटा, फिर उससे भी बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये देखिए गाइस, ये छोटी सी झील है यहाँ पे, इसी के अंदर फाउंटेन लगा हुआ है। तो गाइस, गर्मी के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके चारों तरफ पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो गाइस, अब मैं अपना कैमरा यहाँ पर रखता हूँ और मैं जाता हूँ सामने की तरफ, वो सीढ़ी वगैरह है वहाँ से आता हूँ मैं, आप देखना। तो गाइस, आपने फाउंटेन वाला व्यू तो देख लिया होगा, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी लोकेशन पे, वहाँ पे भी गाइस इससे भी अच्छा लगने वाला है। ये देखिए गाइस, गाइस इस वाली लोकेशन पे पहाड़ ही पहाड़ है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ भी। तो गाइस, आप कमेंट करके बता जरूर बताना ये आपको ये जगह कैसी लगी,
और गाइस अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ही आना, क्योंकि यहाँ पे मज़े करने में अपने दोस्तों के साथ ही अच्छा लगता है। तो गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी लोकेशन पे। गाइस बहुत ही प्यारी जगह ये, एकदम हरा भरा, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी रहता है हर जगह। और गाइस ये सुंदर नर्सरी से भी बहुत अच्छी जगह है, और गाइस ये पिकनिक करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, मैं आपको बता दूँ। तो गाइस अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए। ये देखिए गाइस कितनी साफ़ सफाई हो रखी है यहाँ पे। और गाइस अब चलते हैं, मैं आपको दूसरी लोकेशन दिखाता हूँ। गाइस मुझे सबसे अच्छी बात तो यहाँ की ये लगी कि हर पेड़ के नीचे पेड़ का नाम लिख रखा है कि ये पेड़ कौन सा पेड़ है और कहाँ का पेड़ है, तो मैं आपको भी दिखा दूँ। ये देखिए गाइस ये है रुद्राक्ष का पेड़ है और ये जापान का है। ऐसी ऐसी बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो पेड़ों की यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है। ये देखिए ये आप देख सकते हो गाइस हर पेड़ के नीचे आपको नेम प्लेट दिखाई देगी आपको, ये देखिए। और गाइस मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी कि जो फुटपाथ होता है ना, यहाँ पे फुटपाथ पे जैसे टाइल वगैरह लगा देते हैं। गाइस इस पार्क की एक मेन बात ये है कि यहाँ पे फुटपाथ पे भी इन लोगों ने कारपेट की तरह ब्राउन कलर का बिछा रखा है, ताकि जो मतलब कि बरसात के टाइम में कीचड़ वगैरह मतलब जूतों में छप जाता है ना, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है यहाँ पे छोटा सा बगीचा, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फूल लगे हुए हैं। और गाइस यहाँ पे आप धूप में बैठ भी सकते हो गार्डन में, ये देखिए। और गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी लोकेशन पे। गाइस यहाँ पे एक लेक भी है, लेक के बीचों बीच में एक पार्क है, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आज हमारा पोपट हो चुका है, क्योंकि ये पूरा फाउंटेन की सफाई चल रही है, तो इसके वजह से लेक की सफाई चल रही है, तो पूरी लेक ही खाली करवा दी, आप देख सकते हो। मैं आपको इसके बीच में लेके चल रहा हूँ, ये देखिए गाइस कितना, गाइस ये पूरी लेक है, इस लेक को पूरी सफाई चल रही है अभी, तो पूरी सब तो गाइस पूरी सफाई चल रही है इसकी, आप देख सकते हो, तो पूरी खाली है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपको दोबारा इस पार्क में आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इस लेक। गाइस मैंने काफ़ी सारी वीडियो में देखा ये फाउंटेन वगैरह पूरे चलते रहते हैं और ये पूरी लेक भरी हुई रहती है। तो गाइस यहाँ ये पूरा कितना बढ़िया व्यू रहता है गाइस, और सामने ही जब गाइस ये पूरे फाउंटेन चलते हैं तो सामने से इसका व्यू देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रांचेस वगैरह डाल रखे हैं, ताकि आप पीछे बैठ के यहाँ का व्यू देख सको। हम आपको अब चलते दूसरी लोकेशन पर ले कर वहाँ का व्यू दिखाते हैं। गाइस ये पार्क बहुत बड़ी है, फिर हम आपको और भी कुछ नया दिखाते हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पे ये फाउंटेन चल रहे हैं घास के लिए, और गाइस ये है देखिए यहाँ पे ब्रेंचेस वगैरह हैं,
यहाँ पे आप बैठ के और ये पूरे सामने इस लेक का फाउंटेन का एंजॉय कर सकते हो पूरे। ये देखिए फिलहाल अभी ये लेक की सफाई चल रही है तो आपको पता ही है बंद चल रही है। उसके बाद आप बहुत बड़ी पार्क है, आप कहीं पे भी घूम सकते हो। मैं गाइस तो गाइस सब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे लोकेशन पे, ऐसी बने रहना मेरे साथ में। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए जो इस पार्क के आसपास रहते हैं उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज करने की जगह है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी मशीनें लगी हुई हैं एक्सरसाइज वर्कआउट करने की। ये देखिए इनके लिए बहुत ही बेनिफिट है यहाँ के लोगों के लिए। गाइस जिसे हम ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है, मिला है पर लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में। आप देख सकते हो इसका तार वार सब टूट चुका है। अभी मैंने गार्ड वाले अंकल से पूछा तो बोले अभी इसे रिपेयरिंग होने में बहुत ही टाइम लगेगा, कुछ पता ही नहीं है वैसे कब तक ठीक हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका तार वगैरह क्या क्या टूट रहा हुआ है। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके दिखाई देगा आपको जो टूटने के बाद। ये देखिए जो इसकी साइड वाली तार है ये पूरी टूट चुकी है यहाँ से लेके वहाँ तक। ये देखिए अभी फिलहाल तार वार इनका पूरा बंद कर रखा है इसका, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे बैठने के लिए ये पूरी पार्क, ये ऊँचे ऊँचे टीले भी हैं यहाँ पे आप बैठ सकते हो। बीच में बैठ के इस बाग का आनंद ले सकते हो।